গত 26 অক্টোবর রাতে ডুকলি ইচাবাজার এলাকায় গোপাল নমো নামক এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে এলাকার অভিজিৎ দেব এবং বাপি দাশগুপ্ত নামক দুই যুবককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে গোপাল এবং তার পরিবার। এই বিষয়ে এলাকার যুবকরা অভিযোগ করেছেন এবং ঘটনার সময় অভিজিৎ এবং বাপি এলাকাতেই নাকি ছিল না। তাদের বক্তব্য হল গোপাল রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান ইচাবাজার রেল ক্রসিং এ কর্মরত একজন আধিকারিক। যখন আমরা গেটে কথা বলেছি পরে বড় বলেছে যে উনি জান বলছে যে এখানে যে স্টেশন থেকে ফোন করেছে ওকে বলছে এখন যে মালগাড়িটা গেছে ওই মালগাড়িতে ধাক্কা একজন আদমি লেগেছে, ঠিক আছে তুমি দেখো লোকটাকে কে। তারপরে ও গিয়ে খুঁজে দেখেছে, খুঁজেটা পেয়েছে। তারপর আমরা খবর নিয়েছি, আমরা জিআরপিএফের সাথে আমাদের সংবাদ মাধ্যম কথা বলেছে। তারপরে যে স্টেশন মাস্টার আছে উনি জানিয়েছে, বলছে হ্যাঁ আমাদের কোনো দোষ নেই, এটা সে মদমত অবস্থায় বকাটে ছেলে ও রেলের সামনে চলে এসছে সেই জন্য সে ধাক্কা খেয়েছে, তা আমাদের কোনো অপরাধ নেই, ঠিক আছে এটুকু তারা বলেছে। তাই আমি বলতে চাই আমাদের আরক্ষ দপ্তরের কাছে যে আমাদের যে দুটো সাধারণ ছেলে অভিজিৎ দেব এবং বাপি দাশগুপ্তর যে নামে যে একটা কথা উঠেছে যে ওরা নাকি এটা করেছে, আপনারা তদন্ত করেন, আপনারা রেল ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলেন, প্রয়োজনে সমাজের সাথে কথা বলে যেভাবে সমাধান করা যায় আপনার খতিয়ে দেখেন, যে উপযুক্ত যদি কেউ করে থাকে তাকে উপযুক্ত শাস্তি আমরা দাবি করছি, আমরা চাইছি তার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। কোন আয়া থা কি ইধার দেখো তো কুছ হনে হুয়া হ্যায় হাম বোলা কি নেই ইধার তো পহলে বাহার হম যাকে দেখ লিয়া রাত কো তো অন্ধেরা থা তো থোড়া 50 মিটার ভি দিখাই নেই দে রাহা থা ইধার 50 মিটার ভি নেই দিখাই দে রাহা থা তো হাম তো ইধার উধার দেখে তো দেখ রহে কুছ নেই হ্যায় উসকে বাদ মে আ গয়ে আনে কে বাদ মে স্টেশন মে ফোন কর দিয়ে কি ইধার তো কুছ নেই হ্যায় উসকে বাদ মে ওর মানে 5 মিনিট ইয়া 6 মিনিট বাদ ওস ফিন ফোন গিয়া कि देखो इधर एक गाड़ी आने वाला है जिरानिया साइड से जन शताब्दी था। उसके बाद मैं बोला कि तुम देखो जरूर, हम फिर देखे जाने देखने टॉर्च लिए, टॉर्च लेने के बाद इधर पहले गए जिरानिया साइड में हम सिग्नल के पास में वहाँ पर देखे कि वहाँ तक कुछ नहीं मिला। उसके बाद मन में क्या हुआ कि ना इधर भी देख लेते हैं, इधर देखे गए तो टॉर्च मार के जा ही रहे थे तो देखे कि एक क्वार्टर के सामने एक आदमी गिरा हुआ है। उसके बाद में हम सोचे कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं, क्योंकि पहला प्राथमिकता है कि इसका सांस देखना, तो देखे कि सांस तो चल रहा है और ब्लड माथा से गिर रहा था। उसके बाद में हम सोचे कि इसको पहले देख लेते हैं माने कि कौन है, पहचानते हैं कौन है। तो ये इस तरफ से गिरा हुआ था, हम घूम के देखे तो देख रहे हैं कि ये तो गोपाल है, गोपाल नाम का लड़का है। तो उसका हम घर देखे हुए थे, मम्मी पापा को भी पहचानते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर एक सेकेंड भी नहीं रुके हैं, उसको दौगल दौगल गए हैं और जाके बोले हैं, वो लोग सोया हुआ था, उसको खटखटाया है दरवाज़ा, खटखटाने के बाद में वो लोग आया है। आने के बाद में क्या हुआ कि आदमी तो कम पड़ गया, उसका मम्मी पापा और भाई है कहाँ, तो अकेले उठाना है सबको, वो तो उठेगा ही नहीं, तो आदमी कम पड़ गया। तो हम क्या किए कि यहाँ सोचे कि कोई रोड पर आदमी उदमी को बुलाते हैं, चिल्लाते हैं तो कोई अन्य आदमी आएगा। उसके बाद में आदमी आया, एक आया था, वो आया उसको बुलाया, उसके बाद में हम सबको उठाए। उसके बाद में वो मछली की दुकान है वहाँ पर रख दिए, रखने के बाद में हम फिर गाड़ी खोजना स्टार्ट किए कि इसको सबसे पहले हॉस्पिटल भेजना चाहिए। उसके बाद में ऑटो वाला उस दिन मैंने क्या हुआ कि ऑटो बहुत चल रहा था, उस रात में बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन एक भी ऑटो रोक नहीं रहा था। उसके बाद में किसी तरह से मनाते बनाते ऑटो हम नहीं और लोग बहुत लोग लोकल वाले आ गए थे, तो उन लोगों को रुकवाया ऑटो वाला को, ऑटो वाला को बैठा उठा दिए, उसके बाद में यहाँ से चला गया। हम जो रियल जो हुआ वो हम आपको बताए और यहाँ तक काम मेरा है। स्टेशन से तो स्टेशन मास्टर ही फोन करेगा। हाँ, फोन किया था क्योंकि उनको जानकारी है, उसी कारण से आपको फोन किया। हाँ, 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 कि शायद यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ, हाँ, ये है ना बात, तो स्टेशन मास्टर अभी कहाँ मिलेंगे? स्टेशन मास्टर स्टेशन में ही मिलेंगे, अगर ड्यूटी होगा तो ड्यूटी आवर में ही मिल जाएंगे, नहीं तो शिफ्टिंग वाइज शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। कुछ पता होगा कि उस दिन कौन थे स्टेशन मास्टर? देखिए घटना ये 11 उस रात में स्टेशन में जाने के बाद पता चल जाएगा कौन ड्यूटी था। ऐसे तो हमको हिसाब से लग रहा है उस टाइम कौन होगा, पर संजीत कर्मकार होना चाहिए।
जाके स्टेशन में वो तो पूरा ये रिकॉर्ड है कि वो ड्यूटी किसका की, क्योंकि वो तो ड्यूटी का चेंजिंग का टाइम है उस समय है। आपका सुना 10:11 का, मेरा नाम मुरारी कुमार हुआ।